का हाल मोबाइल दे मांगा चेक करा आप मेरे मोबाइल दे टाकशील ना आतमध्ये ठेवशील नाही तर काय पहिला पार्ट आपने देखा इसका ये दूसरा पार्ट है इसमें आपको और डिटेल हम लोग बताएंगे। उजेड कस येईल उजेड ते मग आहे ना आला 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 बरोबर आहे अभी ये बर्तन तो हम लोग ने बिठा दिए अभी इसे चारों तरफ व्हाइट सीमेंट लगा के इसे अच्छी तरह पैक कर देंगे उससे क्या हो पूरा बर्तन सीमेंट में बैठ जाएगा वो हिलेगा नहीं। ये हमारे संतोष भाई है देखिए इसी तरह इसे चारों तरफ से पूरा राउंड व्हाइट सीमेंट लगा देने का तो चार सा है ये है ना हाँ कनेक्टर हाँ जरा कानस में थोड़ा सा घास मंदी इजी दाल पटकन धार धार बनो नवीन आणली आहे का नवीन हा एक दोन आगे अभी हम लोग बाहर है ना फ्लक्स टैंक लगा रहे हैं पहला क्या पानी कम आता था तो अभी अभी जो बिठाए रहे ना वो थोड़ा हाइट में बिठा रही है उससे क्या फ्लश टैंक में पानी फोर्स में आ जाएगा और WC में भी पानी फोर्स में आ जाएगा जितना हाइट रहेगा वो हिसाब से कैसा वो पानी का फोर्स आ जाएगा इसलिए हम लोग फ्लश टैंक कैसे बिठाते हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं इसका पकड़ एक चिटको लाना तो बोलते पकड़ ये 1.5 इंच का PVC पाइप है जो हम लोग ये क्रॉस बिठा रहे हैं जिसकी वजह से पानी कैसा एकदम स्मूथ आ जाएगा
ये पहले पीवीसी कनेक्शन पूरा फिटिंग करके ले रहे हैं, बाद में इसको हम लोग अभी ये फिटिंग करके ले लेंगे, फिर बाद में इसको दीवार में लगा देंगे। खाली प्लेन नहीं ना, अभी इसको का हाइट बराबर देके नाप लेके इसको एडजस्ट कर रहे हैं, बाद में इसको पाइप काट ले लेंगे। जैसे खाली अड़चण नको बड़ा।
ये पीवीसी सॉल्यूशन है जो लगा रहा है पाइप में। बोट फिर बोट फिर नहीं बोलो बोट फिर नहीं हलचल जाओ फिर क्या तुम दो एक क्या टाकी चाहिए शो बन गया लगे ना टाकी चाहिए साइज प्रमाण क्या होगा लगे इतना दाबला की ना बस 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 खत्म करो चिकन में क्या पाई करे ताकि फिटिंग करने के लिए प्लस ताकि फिटिंग करने के लिए मार्किंग कर रहे हैं। मार्किंग करने के बाद तो हाइट में क्या है वो हिसाब से देख लेते हैं। पीछे की जो उसका ब्रैकेट है प्लस टाइप का उसका साइज है वो 2 इंच साइज रहते हैं क्या साइड ला 2 इंच लेंगे ऊपर से साइज तो 2 इंच आता है ओके। ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 फुट ऊपर रख सकते हैं डब्ल्यू सी के ऊपर दोनों दोनों इंच है ना दोनों सेम स्थापते हैं 12.5 आला है ओके चीन को कोई अरे भाज दिला तो मशीन की गरज नहीं ना हो पी खाली धक्का बिक्का लगे है खाली गेला खाली खाली गेला खाली गया कुछ बकवास का ये बन है टेबल में इनक्रेडिबल टेबल टेबल देते तभी का लीकेज भी किस कारण हो रहा खाली आए ना भाई सर वो तो पैक करते हैं हम लोग ने जो पहला डब्ल्यू सी का जो बाहर से जो पाइप निकाले थे उसको हम लोग अभी बिठा रहे हैं। तो पहले बिठाने से पहले जो पाइप है उसको थोड़ा कानस से घिस के क्रॉस कर देंगे ना अराउंड से थोड़ा हल्का सा तो ये पाइप आराम से जाता है आराम से बैठ जाता है कुछ दिक्कत नहीं आएगी।
थोड़ा ग्रीस लगाएंगे, ग्रीस वगैरह लगा देंगे तो अच्छा रहता है, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती हो बिठाने में। इसी तरह इसको भी आप ये ग्रीस लगाएंगे पाइप में, तो पाइप में कोई दिक्कत नहीं आएगी बिठाने में, आराम से बैठ जाएगा। जब भी आपको ऐसा लगा कि क्या पाइप हार्ड जा रहा है, तो आप ग्रीस लगाएंगे ना तो आराम से बैठ जाएगा पाइप। चाच्या याला पण नाही घातला, कनेक्टरला घातलेला, तो पण आतमध्ये गेला नव्हता, ते तुला काम करायला लावायला इझी पडेल। घातलं घातलं तर गेला गेला टच झाला। ओके खेन खोकली व्हायचं नाही ना, व्हायचं तर लिकेज नाही त्याने पाईप कमी टाकलं। ये फ्लश टैंक को कमांडर फ्लश टैंक बोलते हैं, जो हम लोग ये इसको कमांडर फ्लश टैंक। सर अभी एक बार प्लस करके पानी छोड़ के देख लेते हैं कि लीकेज है कि नहीं, इसलिए हम लोग अभी चेक कर रहे हैं कि इसमें लीकेज है क्या। मैं कभी कभी क्या होता है बराबर फिटिंग ले रहे हैं तो नीचे से लीकेज आते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि लीकेज है कि नहीं। अभी तो हम लोग जो काम के उसमें जरा भी लीकेज नहीं है। हालत तो नहीं आदमी ओके 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 सिमेंट भरपूर लागलेलं आहे ना।
फिर ओके चीन पकड़े करो का बंद कर छोटी कर छोटी कर ओके चीन पकड़ी चांस मिल चाह है ना ओके बाय होगा।